नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर ईपीएस क्या है और इसका कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, कहाँ यूज होता है ये। तो देखिए, अर्निंग पर शेयर जो होता है हमारा, एक शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, या कहें शेयर होल्डर को, कंपनी के शेयर होल्डर है उन्हें कंपनी के पर शेयर देखना है, जिसको हम ईपीएस कहते हैं। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसे हम उस कंपनी के शेयर का अर्निंग ईपीएस कहते हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, जैसे प्रॉफिट घटेगा अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस घटेगा। दूसरा, अगर नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ जाए, प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। नंबर ऑफ शेयर्स कब बढ़ता है? बोनस देने से, स्टॉक को स्प्लिट करने से। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, बोनस और स्टॉक स्प्लिट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो जिससे अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा? जब प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, या तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कब होगा? जब कंपनी शेयर बायबैक करता है, या उल्टा स्प्लिट भी होता है। जैसे आपने स्प्लिट देखा है कि ₹10 फेस वैल्यू है तो 5 कर देते हैं, तो कभी कभी उसके उल्टा होता है, ₹5 फेस वैल्यू को 10 करता है तो वह नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएगा। तो कंपनी के बायबैक करने से नंबर ऑफ शेयर्स घटेगा, प्रॉफिट उतना ही होगा या उससे ज़्यादा होगा, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही प्रॉफिट हो या उससे ज़्यादा हो तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो वो कंपनी का होगा अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ यूज कहाँ करेंगे अर्निंग पर शेयर को? अर्निंग पर शेयर का उपयोग आप एक ही सेक्टर के जो अलग अलग स्टॉक्स है उसके बीच कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर के ही स्टॉक्स है टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एससीएल टेक्नोलॉजी, तो कौन सा शेयर जो है मतलब अभी ज़्यादा महंगा है या ज़्यादा सस्ता है, तो उसका अर्निंग पर शेयर का उपयोग कर सकते हैं, ईपीएस का उपयोग कर सकते हैं। जिस शेयर का अर्निंग पर शेयर अच्छा हो वो स्टॉक आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा अच्छा है। तो सेम ही सेक्टर के स्टॉक का आप कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हैं, किसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है। तो जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है तो वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा है। अगर इस तरह के छोटे छोटे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।